ओके तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉप 3 स्मार्टफोन की जिनकी कीमत दोस्तों आपको 8000 रुपये से भी कम देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी अलग आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि तीनों ही स्मार्टफोन का मैं आपको कंपैरिजन के साथ तीनों स्मार्टफोन बताने वाला हूं, ताकि आप तीनों स्मार्टफोन में कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना हो और तीनों में से कोई एक स्मार्टफोन अपने घर लाएँ। क्योंकि 8000 की जो रेंज है ना, उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका इतना कम बजट है तो आप इतनी प्राइस खर्च करने में भी काफ़ी सोचेंगे, तो आज की वीडियो में आपका ये सोचना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तीनों में से एक स्मार्टफोन आपको पसंद जरूर आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें इन तीनों स्मार्टफोन की कीमत की। कीमत में दोस्तों पहले हम बात करें Realme C11 की। ये दोस्तों हमारी लिस्ट में पहला स्मार्टफोन होगा। इसकी कीमत 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज की होगी 7299 रुपये। और वहीं दोस्तों दूसरा स्मार्टफोन हमारी लिस्ट में होने वाला है Realme Narzo 50i। ये दोस्तों लेटेस्ट स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन की कीमत 7499 रुपये, 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज। और तीसरा स्मार्टफोन हमारा दोस्तों होने वाला है पोको की तरफ से, पोको C3। लेकिन इसकी कीमत आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है। कैसे? स्मार्टफोन में 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। कीमत है 8499 रुपये। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, कोई सी भी सेल अगर फ्लिपकार्ट पे इस टाइम लाइव हो या फिर आने वाली हो, तो जब ही इस स्मार्टफोन की कीमत 7999 हो जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें कि थोड़ा आप इंतज़ार करके भी इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं, जिसके बाद 8000 से कम इसकी कीमत हो जाती है। और अब दोस्तों हम बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के फुल स्पेसिफिकेशन की, साथ ही कंपेरिजन के साथ। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम प्रोसेसर की बात करेंगे। Realme C11 के अंदर आपको MediaTek Helio G35 देखने को मिलता है, और वहीं Realme Narzo 50i में आपको Unisoc का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 28 नैनोमीटर पर काम करता है। तो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस इतनी खास है नहीं Realme Narzo 50i की, तो गेमिंग परफॉर्मेंस है इतना खास स्मार्टफोन को ना समझे। ओको C3 के अंदर भी आपको MediaTek Helio G35 ही देखने को मिलता है। तो प्रोसेसर में तीनों स्मार्टफोन में प्रोसेसर तो बैलेंस है, आप डे टू डे परफॉर्मेंस में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गेमिंग के मामले में Realme C11 पोको C3 के अंदर प्रोसेसर बेस्ट दिया गया है इस कीमत के मुताबिक। इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करेंगे इन तीनों स्मार्टफोन की अब डिस्प्ले की कंपैरिजन के साथ। तो डिस्प्ले में दोस्तों वैसे तीनों ही स्मार्टफोन में 6.5 इंच की IPS पैनल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलती है, लेकिन आपको देखने को मिलती है Realme C11 के अंदर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। तो आप देख सकते हैं तीनों स्मार्टफोन में डिस्प्ले तो वैसे सेम साइज की दी गई है, लगभग परफॉर्मेंस भी एक जैसी देखने को मिलती है, लेकिन आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट Realme C11 में देखने को मिलता है। वैसे Narzo 50i में भी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन उसके अंदर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है। तो डिस्प्ले के मामले में विनर और अच्छी परफॉर्मेंस Realme C11 में दी गई है। अब बात करेंगे हम इन तीनों स्मार्टफोन के कैमरे की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे Realme C11 की। इसके अंदर दोस्तों आपको बैक पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। प्राइमरी सेंसर इसमें है 13 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का है डेप्थ सेंसर। फ्रंट में दोस्तों इसमें 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है। बात करें हमारी Realme Narzo 50i की, तो उसमें आपको सिंगल सेंसर देखने को मिलता है बैक में, जो कि 8 मेगापिक्सल का है। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल की इसमें भी सेल्फी दी गई है। अगर हम पोको C3 की बात करें, तो उसके अंदर बैक में ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप दिया गया है। 13 का होगा प्राइमरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया जाएगा। फ्रंट में इसमें भी 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है। कैमरा क्वालिटी तीनों की अगर बात करी जाए, तो पोको C3 कैमरा क्वालिटी में बिल्कुल क्लियर विनर पोको C3 है। इसलिए दोस्तों कैमरे में तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर दूसरे नंबर की बात करें तो हमारा Realme C11 है। हम Realme Narzo 50i को भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। तो कैमरा क्वालिटी उसकी भी बैलेंस है, ठीक ठाक है, आप ले सकते हैं उस स्मार्टफोन को भी, लेकिन तीनों में बेस्ट पोको C3 है। उसी के साथ दोस्तों अब हम बात करेंगे तीनों ही स्मार्टफोन की बैटरी की। बैटरी में तो दोस्तों वैसे कुछ कंपैरिजन है नहीं, तीनों ही स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई, तो तीनों ही स्मार्टफोन की बैटरी बढ़िया है। 5000mAh काफ़ी ज़्यादा लाउड और काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए इसमें कंपैरिजन बनता नहीं है। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें, तो तीनों ही स्मार्टफोन में ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS जैसे सिस्टम दिए गए हैं। तीनों ही स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसी कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, और तीनों ही स्मार्टफोन में USB-C का सपोर्ट नहीं है। माइक्रो USB पोर्ट आपको तीनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों देखें कौन सा स्मार्टफोन है बेस्ट। दोस्तों अगर हम बात करें कीमत की, अभी फ़िलहाल सेल से वो तो बात की बात है, अभी फ़िलहाल Realme C11 अच्छा है, लेकिन सेल आते ही, कोई भी सेल आए, मैंने स्टडी करी है इस स्मार्टफोन के मुताबिक, कोई भी सेल के आते ही पोको C3 बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी कीमत हो जाएगी 7999 या उससे भी कम हो सकती है सेल के मुताबिक, लेकिन 7999 एक बेस वेरिएंट की कीमत आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगा अभी फ़िलहाल तो Realme C11 अच्छा है,
लेकिन कोई भी सेल का अगर आप इंतजार कर सकते हैं, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं स्मार्टफोन के लिए, तो पोको C3 तीनों ही स्मार्टफोन में बेस्ट है। नार्जो 50i भी एक अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन इसमें काफ़ी कमी देखने को मिलती है। कैमरे में कमी देखने को मिलती है, डिस्प्ले में कमी देखने को मिलती है, और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि प्रोसेसर। गेमिंग भी खेलना ज़रूरी है अगर स्मार्टफोन लिया जा रहा है, वो भी 8000 कोई कम कीमत तो होती नहीं है। जो इतनी कीमत खर्च कर रहा है उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कहूँगा पोको C3 एक अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन आपको अभी कोई 8000 से कम की कीमत में स्मार्टफोन लेना है तो रियलमी C11 एक अच्छा स्मार्टफोन है। और भी कई हैं इन्फिनिक्स के, टेक्नो के, लेकिन वो आप लेना ही नहीं चाहेंगे, तो इसलिए लिस्ट में लाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।